गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 12 पार्ट ऑफ पार्ट सेकंड एंड दैट इज चैप्टर 12। देखिए बच्चों, जो चैप्टर 12 हमारा चल रहा है उसी का सेकंड पार्ट मैं बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें जैसे हम ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में रीड कर रहे थे, है ना, ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी में आगे दिया है हमने डिफरेंट स्टेट के हमने डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल समझ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखिए, आप इस पेज में दिया है, अनदर रीज़न इन आवर कंट्री इज़ द कोस्टल रीजन, द पीपल ऑफ दिस रीजन वेयर देयर ओन टिपिकल ड्रेसेस, द टेम्परेचर इन दिस रीजन रिमेंस नॉर्मल थ्रू आउट द वेयर। देखिए, और भी कई रीजन्स है, कोस्टल रीजन वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे क्लाइमेट किस अकॉर्डिंग रहता है, तो वहाँ पे लगभग वो अलग अलग रीजन के जैसे होते हैं ना, तो वो टिपिकल ड्रेसेस भी वहाँ वेयर करते हैं और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्रेसेस भी वेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर में भी साथ में दिया, जैसे ड्रेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की ड्रेसेस कैसी है ना। इसके नीचे देखिए द इसमें की पेन आई भी एक बार देखते हैं, द कॉमन हेडवेयर ऑफ मैन इन उत्तर प्रदेश इन इज द गांधी कैप। ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो मैन है बच्चों, वो गांधी कैप भी वेयर करते हैं, मतलब जो गांधी टोपी जिसे हम बोलते हैं वो वहाँ पे पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ, द राजस्थानी मैन एंड वुमेन हैव देयर ओन पर्टिकुलर वेज ऑफ ड्रेसिंग, द मैन ऑफ द दिस स्टेट वेयर कुर्ता पैजामा विद द अंगरखा, द वुमेन ऑफ दिस स्टेट वेयर घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी। देखिए, अब राजस्थान पे आते हैं बच्चों, राजस्थान के जो मैन हैं बच्चों वो वेयर करते हैं कुर्ता पैजामा, है ना, कुर्ता पैजामा ही वो वेयर करते हैं और साथ में ऊपर अंगरखा टाइप पहनते हैं, एक अंगरखा ऊपर का अलग, जैसे जैकेट, कहीं लोग जैकेट पहनते हैं ना, तो यहाँ पे ये लोग अंगरखा वेयर करते हैं। और यहाँ की वीमेन जो होती है बच्चों, वो घाघरा कुर्ता और ओढ़नी पहनती है ना, घाघरा लहंगा ड्रेस पहनती है और साथ में ओढ़नी वेयर करती है। फाइन, अब इसमें नीचे देखिए की पेन आई में, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल आर द कोस्टल एरियाज इन आवर कंट्री। हमारा कोस्टल एरिया कौन कौन से हमारी कंट्री में, यहाँ पे दिया जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ के जो ये एरिया के जो पीपल होते हैं वो वहाँ की जो टिपिकल ड्रेसेस होती है वो वेयर करते हैं ना, उनके जैसे ड्रेसिंग स्टाइल वहाँ का जो होता है उस एरिया के, वहाँ पे वो लोग उसी तरह की ड्रेसिंग स्टाइल वेयर करते हैं। फाइन, इसके नीचे दिया है द मैन बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र वेयर कुर्ता पायजामा, सम ऑफ देम वेयर एन अचकन ओवर द कुर्ता, द वीमेन ऑफ दिस स्टेट मोस्टली वेयर सारी ब्लाउज, द वे ऑफ वेयरिंग ए सारी मे डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र साइड का बता रहे हैं। अब महाराष्ट्र में लोग जो है मैन है वो कुर्ता पायजामा वेयर करते हैं, है ना, साथ में ऊपर अचकन पहनते हैं, कुर्ता के ऊपर क्या डालेंगे, अचकन। अब देखा आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कैसे वेयर किया उन्होंने, है ना, कहीं पे जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे अंगरखा वेयर कर रहे हैं कुर्ते के ऊपर, महाराष्ट्र है तो वहाँ पे वो अचकन वेयर कर रहे हैं, है ना, और जो अभी अपने यूपी साइड में उत्तर प्रदेश और उससे पहले ये हरियाणा और इस तरफ देखा था तो यहाँ पे ये लोग जैकेट वेयर करते थे ऊपर, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा सा स्टाइल होता है उनके स्टेट वाइज, ठीक है। और वहाँ की जो वीमेन है, कहाँ की, महाराष्ट्र की वीमेन साड़ी ब्लाउज वेयर करती है। फाइन, और उसको भी पहनने का अलग अलग थोड़ा सा स्टाइल होता है, उनका साड़ी को बांधने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। फाइन, नेक्स्ट देखिए, द मैन इन गुजरात वेयर धोती कुर्ता विद गांधी कैप, मोस्टली द वीमेन ऑफ दिस स्टेट वेयर साड़ी ब्लाउज एंड सम ऑफ देम वेयर लहंगा चोली, इन अदर कोस्टल स्टेट सच एज तमिलनाडु एंड केरला। देखिए, अब हम गुजरात के बारे में समझते हैं, गुजरात के जो पीपल है वहाँ के मैन वो धोती कुर्ता वेयर करते हैं और साथ में वो पहनते हैं गांधी कैप, है ना, आपने देखा होगा गांधी टोपी कैसी होती है, एक वाइट सी होती है, बिल्कुल सिंपल प्लेन सी होती है और आगे और पीछे से थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, नुकीले जैसी होती है, तो वो लोग गांधी कैप वेयर करते हैं वहाँ के मैन, है ना। और जो वहाँ की वीमेन होती है मोस्टली तो वो साड़ी ब्लाउज वेयर करती है, लेकिन कुछ जो वहाँ पे ट्रेडिशन है उस अकॉर्डिंग वहाँ पे वो घाघरा चोली भी वेयर करती है गुजरात में। राइट, अब तमिलनाडु स्टेट की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु और केरला में वहाँ के मैन वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ लुंगी कॉल्ड एज मुंडू। फाइन, मुंडू अगेन द ड्रेसेस ऑफ वुमेन इन दिस स्टेट इज ऑल्सो सारी बट इट इज़ वॉर्न इन डिफरेंट वे। देखिए, जो केरला और तमिलनाडु में बच्चों जो मैन है वहाँ के वो एक लुंगी वेयर करते हैं अपने कुर्ते के साथ में, एक लुंगी वेयर करते हैं शर्ट या कुर्ते के साथ में, जिसको कि वहाँ पे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में वहाँ पे बोलते हैं मुंडू, है ना, उसको मुंडू बोलते हैं। और वहाँ की वीमेन साड़ी वेयर करती है, साड़ी ब्लाउज, लेकिन वो साड़ी वेयर करने का उनको जो बांधने का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है ना, वो अलग तरीके से उसको पहनती है।
Next, the men in West Bengal wear dhoti kurta. They keep in folded cloth called the angustra over their shoulder. The women in the state wear a sari in their own traditional way. They put the pallu of the sari, corner of the sari, and tie a bunch of keys with it. देखिए अब हम वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं. हमारे कंट्री में जो वेस्ट बंगाल साइड है बच्चों, वेस्ट बंगाल में वहाँ के मैन हैं वो धोती कुर्ता वेयर करते हैं. धोती कुर्ते के साथ में वो अपने शोल्डर पे, अपने कंधे के ऊपर एक ऐसा कपड़ा होता है, क्लोथ होता है सिंपल प्लेन सा, उसको फोल्ड करके, तीन चार फोल्ड करके उसको अपने शोल्डर पे हैंग करते हैं ना, अपने कंधे पे वो टांग के रखते हैं. तो वो उसको वहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसको कि वो अंगोस्ट्रा भी बोलते हैं. फाइन. और वहाँ की वीमेन है बच्चों, वो साड़ी वेयर करती है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो साड़ी इस तरह से वेयर करती है कि उसका पल्लू, वो पल्लू का जो होता है ना, मेन पॉइंट होता है पल्लू का, एक साइड होता है कॉर्नर जो होता है, उस पर वो चाबियों का गुच्छा वेयर करती है ना, वहाँ पर टांगती है उसको. चाबियों का बंच होता है, की ऑफ बंच होता है चाबियों का गुच्छा, वो उस साड़ी के कॉर्नर में, एक कॉर्नर में उसको वहाँ पर उसको बांधती है और वो अपने शोल्डर पर उसको हैंग करती है. तो ये उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है कहाँ का, वेस्ट बंगाल का. फाइन. लास्ट में दिया आपको ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. अब देखिए बच्चों, ओकेजन के अकॉर्डिंग किस तरह से ड्रेसिंग स्टाइल है ये हम पढ़ते हैं. सम ड्रेसेस आर ऑल्सो वॉर्न अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. ऑल ऑफ अस वी आर ड्रेसिंग स्पेशल ड्रेसेस ऑन डिफरेंट ओकेजन लाइक बर्थडे पार्टीज एंड मैरिजेस. देखिए बच्चों, अब ओकेजन के अकॉर्डिंग हम किस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल पहनते हैं, मतलब कभी कभी कुछ पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज है हमारे, है ना, हमारे घर पे या बाहर कहीं भी, है ना, या हमारे कोई फेस्टिवल वगैरह है, तो उस अकॉर्डिंग लोग किस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल वेयर करते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. सबका अपना अपना अलग अलग होता है. वो अपने स्टेट वाइज भी डिफरेंट स्टाइल होता है उनका, जो ट्रेडिशनल स्टाइल चला आता है वो वेयर करते हैं, है ना. और कुछ जो बर्थडे पार्टी में जैसे फैंसी ड्रेस पहन लिया है ना, बर्थडे पार्टी में बिल्कुल अपने फैंसी स्टाइल होता है, जैसे आजकल तो बहुत भी मॉडर्न ड्रेसेस भी चल रही हैं, है ना. और मैरिज पार्टी वगैरह में वो लोग ट्रेडिशनल वेयर करती हैं कि किस तरह से, जैसे मैन और वुमेन जो होती हैं, तो किस तरह से उनके पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो ड्रेस चलता है वो भी वेयर करती है. फाइन. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम. लास्ट पेज है बच्चों, नेक्स्ट पेज में दिया है वी ऑल्सो यूज स्पेशल ड्रेसेस वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज डांसेस एंड स्विमिंग एटसेट्रा. देखिए बच्चों, अब जैसे हम जिस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम जिस फील्ड में जो परफॉर्म कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग ड्रेसिंग स्टाइल भी होती है आज के मॉडर्न टाइम में. जैसे अगर हमको एक्सरसाइज करनी है तो हम बिल्कुल उस तरह के लोअर टी शर्ट वगैरह जैसे होता है ना, टॉप या टी शर्ट वगैरह वेयर करते हैं क्योंकि हमको एक्सरसाइज करनी है, तो उस समय वो सूटेबल होती है ना, ताकि कि हम अपने बॉडी को अच्छे से एक्सरसाइज में कर सके, काम में ले सकें. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे इसके अलावा एक है डांस. अगर हमें डांस परफॉर्म करना है, डांस सीख रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, तो किस तरह का डांस है, वो वेस्टर्न है, मॉडर्न है ना, तो या बॉलीवुड स्टाइल का डांस है, तो उस अकॉर्डिंग वो ड्रेस वेयर करते हैं. इसके अलावा जैसे स्विमिंग वगैरह, आजकल स्विमिंग का भी बहुत क्रेज़ है, जैसे बच्चों में भी है ना, तो स्विमिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर वो स्विमिंग ड्रेस अलग से वेयर करते हैं, है ना. तो ये परफॉर्मिंग के अकॉर्डिंग ड्रेस हो गई. लास्ट पैराग्राफ दिया है सम ऑल्सो वेयर क्लोथ्स टू सूट द वर्क दे डू. दीज ड्रेसेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. अब देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म के बारे में आप जानते हैं, है ना. तो जैसा जैसा इनका ऑक्यूपेशन होता है या उनका प्रोफेशन होता है, उस अकॉर्डिंग वो लोग यूनिफॉर्म वेयर करते हैं. और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड में आपने देखा है कि यूनिफॉर्म वेयर की जाती है ना, जो भी जिस तरह का जॉब है. जैसे डॉक्टर है तो उनका यूनिफॉर्म अलग सा होता है, उनका व्हाइट कोट होता है, ऊपर से स्टेथोस्कोप वगैरह जो होता है वो अपने साथ वेयर करते हैं, रखते हैं, है ना. पोस्टमैन है तो वो अपनी, उनकी ड्रेस अलग से कलर की होती है, खाकी कलर की होती है, तो वो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं. पुलिसमैन, उनका यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग अलग होता है, उनकी स्टेट वाइज जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है. इसके अलावा सोल्जर है, डॉक्टर, नर्स वगैरह है, नर्स का देखिए यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग सा होता है ना. इसी के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट फील्ड में भी बच्चों अलग अलग जैसे कंपनीज होती हैं, वो अलग अलग यूनिफॉर्म, उनका ड्रेस कोड बिल्कुल अलग अलग होता है. फाइन. और जैसे कि स्कूल चिल्ड्रन है, स्कूल चिल्ड्रन वो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, अलग अलग स्कूलों में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट अलग सी यूनिफॉर्म चलती है वहाँ पे, तो वो बच्चे उस अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस वेयर, यूनिफॉर्म वेयर करते हैं. फाइन. इतना आपको समझ में आ गया. अब लास्ट पॉइंट दिया बच्चों मॉडर्न ड्रेसेस. देखिए मॉडर्न ड्रेसेस, नाउ इट इज द मैन एंड वुमेन वेयर मैनी मॉडर्न ड्रेसेस. सम ऑफ द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ मैन आर शर्ट, पैंट, जीन्स, कोट, नेक टाइज एंड टी शर्ट एटसेट्रा. द मॉडर्न ड्रेसेस ऑफ वुमेन आर स्कर्ट, टॉप, शर्ट्स, पैंट, जीन्स एटसेट्रा.
फाइन. थस आवर क्लोथिंग डिपेंड अपॉन वेरियस थिंग. देखिए लास्ट पॉइंट आपका मॉडर्न ड्रेसेस, जैसे कि आजकल चल रही है बिल्कुल कंटिन्यूस, हमारे जो कॉमन वेयर करते हैं हम लोग, है ना, कैजुअल वेयर करते हैं, तो ये मॉडर्न ड्रेसेस है जिसमें कि मैन क्या करते हैं, शर्ट पैंट जीन्स कोट है, टाई वगैरह भी वेयर करते हैं, टी शर्ट भी वेयर करते हैं, है ना. ये बिल्कुल मॉडर्न ड्रेसेस है जो कि कॉमन आजकल यूज़ में ली जा रही है ना. और वुमेन जो है वो स्कर्ट टॉप और शर्ट भी पहनती है, पैंट्स वगैरह जीन्स वगैरह, तो वुमेन और गर्ल्स को देखिए तो बिल्कुल मॉडर्न ड्रेसेस वेयर करती है. फाइन, हमारी कंट्री में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं मॉडर्न ड्रेसेस के अकॉर्डिंग, है ना. तो आपने आजकल देखा होगा, आप अपने घरों में भी देखते हैं और घर के बाहर भी देखते हैं. तो इस चैप्टर में बच्चों हमने ड्रेसेस के बारे में पढ़ा है, तो वो ड्रेसेस कैसे, एक तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट होता है, तो वो किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस वो लोग वेयर करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, मतलब किस तरह का उनका जॉब है उस अकॉर्डिंग वो कौन सी ड्रेसेस वेयर करते हैं वो भी हमने समझा. साथ में हमने मॉडर्न ड्रेसेस के बारे में भी समझा. फाइन, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से फिर से रीड करेंगे, लर्न करेंगे, समझेंगे. और जो मैं PDF सेंड कर रही हूँ डेली आपकी क्लास में, क्लास फिफ्थ में आपके जो PDF सेंड कर रही हूँ बच्चों, वो नोटबुक में आप नोट करते जाइए. वो आपके सेकेंड टर्म की PDF है जिसके अकॉर्डिंग अपन टेस्ट भी लेंगे, जब स्कूल स्टार्ट होगा तो क्लास टेस्ट भी लेंगे, है ना, और वो आपके एग्जाम में भी आएगा. तो PDF आप कंटिन्यूसली रेगुलरली आप करते जाइए उनको, ताकि हम चेक करेंगे उसे. ओके, थैंक यू.